अच्छा, तो उससे पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके, हमने कुछ लाइक मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या आप बच्चों को? यस सर, यस सर, यस सर, कौन यस सा दिया सर, था कोई बता सकता सर है? टू यस सर, क्वेश्चंस दिए थे। हाँ क्वेश्चंस दिए थे। कौन कौन बच्चा करके लेके आया है, मैं आंसर भी पूछूंगा उनसे। ओके, रिया शर्मा, दीक्षित, दिनेश यादव। ओके, तो रिया बेटा आप बताओ। यस सर, सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ए क्यूब प्लस 1/a³, उसका आंसर आया है 110। और जो सेकंड क्वेश्चन था, गुड। √(-√2) का होल क्यूब प्लस √(-√5) का होल क्यूब प्लस √(-√3) का होल क्यूब, सर इसका आंसर तो आया कुछ अटपटा सा आया है, ओके, क्या आंसर आया बेटा? -3√18 प्लस √3 जस्ट अ -3√20 सेकंड, जस्ट अ प्लस सेकंड, √3। जस्ट अ सेकंड, आई विल नोट इट डाउन। या प्लीज आंसर बोलो। -3√18 प्लस √3 बेटा आपको मल्टीप्लाई माइनस नहीं करना थ्री था उसमें। अरे आपको उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था अंदर। ओके, आपका जो रॉ फॉर्म है ना, जैसे कि आप फॉर्मूले में अप्लाई करते हो, तो आपको वो बताना है। यस सर, तो वो क्या था, इससे पहले वाला स्टेप बताओ मुझे। सर इससे पहले -3√6 इनटू √3 माइनस नहीं, अंडर इससे रूट भी पहले वाला, जस्ट जैसे ही आपने वो इसका आंसर लिखना स्टार्ट किया, तो वो बताओ मुझे। जब क्यूब खोला है उसका। नहीं, हाँ मतलब आप ब्रैकेट के साथ आंसर बताओ अपना, जो आपने ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करे ना उससे पहले। ठीक है, √3 का होल क्यूब माइनस √2 का होल क्यूब माइनस 3√3 इंटू √2, ब्रैकेट ओपन, √3 माइनस √2 प्लस √2 का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब माइनस 3√2 इंटू √5 इंटू √2 माइनस √5। अरे नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। ओके ओके, अच्छा इसका मतलब मैं आंसर, ये मैंने कैलकुलेशन एक्चुअली किया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे सिर्फ एग्जैक्टली जो फॉर्मूले में जैसे आपने जैसे वैल्यू पुट करते हो ना, मुझे वो चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे देने चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे आंसर बताने में। इट्स माई लाइक मिस्टेक। ओके, अच्छा पहले वाला क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया कि ए क्यूब प्लस 1/a³ का आंसर 110 आ गया था। यस अच्छा, सर, कोई यस ऐसा, सर, यस कोई ऐसा सर, बच्चा यस सर, जिसको किया नहीं या यस फिर उसको समझ में नहीं आया? सर, एक बार समझा दो सर, सर, समझा दो एक एक बार, बार सर समझा समझा दो दो, एक बार सर, समझा दो, समझा ओके दो, ओके ओके बेटा, समझा दो, फिर समझा दो। ओके। तो हमारे पास गिवन क्या था, कोई बता सकता है कि ए प्लस 1/a का इक्वल टू में आंसर क्या था? फाइव, फाइव, तो फाइव। फाइव, फाइव, फाइव। ओके। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, ए क्यूब प्लस 1/a³ का हमें वैल्यू फाइंड करना था, राइट? यस सर, तो देखो अब ये यहाँ पर क्यूब है ना, तो हमें इधर भी क्यूब ही करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। तो हमें दोनों तरफ यस यहाँ पर सर, क्यूब करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो ए प्लस 1/a और इसका क्यूब, तो इट इज इक्वल टू 5 का क्यूब, राइट? तो इसका क्यूब अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस 1/a³, राइट, प्लस 3 इंटू ए इंटू 1/a इंटू ए प्लस 1/a। ओके, इट इज इक्वल टू 125। वाई 125? बिकॉज 5 का क्यूब होता है 125, राइट? यस 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 राइट। सर, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई? नो नो सर, सर, नो ओके सर, ओके, नो मैं सर, अपना चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को वहां पर पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। मुझे सिर्फ इतने टर्म का
आंसर निकालना है, इतने टर्म का मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू अपने पास है कि नहीं है क्वेश्चंस के साथ। तो ये सबसे पहले तो a इंटू वन अपॉन a है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस सर। एंड देन वन अपॉन a क्यूब, यहां पर अब बचा क्या भाई, a इंटू वन अपॉन a तो निपट गए, बचा क्या सिर्फ 3, और a प्लस वन अपॉन a बचा है, जिसका हमें गिवन है कि a प्लस वन अपॉन a का, या इसका वैल्यू 5 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 5 हम यहां लिख देंगे, इट इज इक्वल टू 125, राइट। तो a क्यूब प्लस वन अपॉन a क्यूब, ठीक है, ये इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इन सबको उधर भेजेंगे, है ना भाई, जैसे कि हमको आईआईटी एनआईटी चाहिए तो हम फालतू टाइम खर्च करना उधर भेजेंगे, मतलब अपनी लाइफ से हटा देंगे, राइट। तो 125 माइनस 15, ये हमने माइनस कर दिया क्योंकि 3 इंटू 5 15, ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एंड 125 माइनस 15 इज 110, ओके। यस यस, समझ में आया सभी को? यस 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 सर, ओके ओके। अब जो है किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है। 2 सेकंड है आपके पास, 1 2 टाइम एंड सर, सेकंड वाला भी समझा दो। हाँ बेटा सर, सेकंड वाला समझा दो। हाँ बेटा बिल्कुल समझा रहा हूँ, ओके बेटा, मैं ये समझा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन ट्राई करने का सोचिए एक तरह से। तो अगर आप खुद से घर पे ट्राई करके आओगे ना, और अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, और मैं जब यहाँ पे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं यहाँ इस स्टेप में गलत कर रहा था, या फिर इस स्टेप के बाद मुझे दिमाग में नहीं आया कि क्या करना है। तो आपको लाइक अपने थॉट्स मिलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो आपको एक बार, एक से दो बार उसको एटलीस्ट घर पे सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, ओके। सो द क्वेश्चन वॉज, एक बार कोई क्वेश्चन बोल देगा क्या, रूट थ्री माइनस, कोई भी एक बंदा, सब नहीं बोलेंगे, कोई भी एक बंदा, रिया आप बोल दो। यस सर, रूट थ्री माइनस रूट टू का होल क्यूब प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव का होल क्यूब, ओके, प्लस रूट प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल क्यूब, ओके। किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? नो सर। ओके, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी उसमें हमने 6 आइडेंटिटी पढ़ी थी, राइट। तो क्यूब वाली कितनी आइडेंटिटी थी हमारे पास, 2 आइडेंटिटी थी, राइट। एक तो था कि a माइनस बी होल क्यूब, और दूसरा वाला क्या था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इट इज इक्वल टू समथिंग, राइट। तो ये काफी हद तक जो है मेरा थर्ड जो लास्ट वाली आइडेंटिटी थी ना उससे मैच हो रहा है, ओके ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कि मुझे करना क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले आप इन ब्रैकेट्स को देखो, ठीक है। अगर वो आप अगर सिक्स वाली आइडेंटिटी सोच लेते हो तो वो आनी चाहिए, वो दिमाग में नहीं आए, उससे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए 2 कंडीशन जो कि हमने डिस्कस करी थी, कि अगर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, और सेकंड वन क्या है कि कहीं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो नहीं है, b क्यूब प्लस c क्यूब वाले फॉर्मेट में है, राइट। हेलो सर, आवाज कट गई। यस सर, नेटवर्क इशू है। यस सर, हेलो सर, आवाज कट गई, नेटवर्क इशू सर आपका। यस सर, अभी ठीक है बेटा? यस सर, हेलो। यस सर, ओके। यस सर, ओके। किसी को नाचने का मन तो नहीं कर? नो सर। हेलो, हेलो 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 हेलो, अभी कट रही सर, आवाज हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो सर, आवाज है सर, अभी आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, ये आपकी तो देखो यहाँ पर कि
हेलो या सो सबसे पहले देखो कि ए क्या है यहाँ पर, ठीक है, ए है यहाँ पर रूट थ्री माइनस रूट टू, एंड बी क्या है रूट टू माइनस रूट फाइव, राइट, सी क्या है यहाँ पर रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अगर मैं फर्स्ट वाली जो है यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ट्राई करते हैं कितना होता है, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो सभी को एड कर देते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस रूट फाइव माइनस रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो ये या सो ये प्लस रूट थ्री और ये माइनस रूट थ्री है, राइट, ये अपन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस रूट टू है और ये माइनस रूट टू है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड ये प्लस रूट फाइव है ये माइनस रूट फाइव है, तो ये भी आपस में जीरो हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास वो जीरो आ रहा है, राइट, है ना, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो हमारा इसका आंसर क्या निकलता है भाई, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, सिक्स वाली आइडेंटिटी क्या थी हमारी, सिक्स वाली आइडेंटिटी थी हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट, तो अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी ये जीरो है, मतलब ये वाला हिस्सा जीरो हो गया मेरा, है ना, तो ये वाला अगर हिस्सा जीरो हो गया तो ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड मेरा पूरा इक्वल टू जीरो हो गया, राइट, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना, तो कहने का मतलब है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा मेरा, राइट, और ए बी थ्री एज इट इज है, ए का वैल्यू क्या था मुझे बताओ, ए का वैल्यू था रूट थ्री माइनस रूट टू, राइट, रूट थ्री माइनस रूट टू, है ना, अच्छा बी का वैल्यू क्या था रूट टू माइनस रूट फाइव, तो ये रूट टू माइनस रूट फाइव, है ना, और सी का वैल्यू क्या था रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो बस आपको ये क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देना था, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को, यस सर, यस सर, डाउट तो नहीं है ना, यस सर, नो सर, नो सर, ओके ओके, ठीक है, तो अब देखो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, आप सभी लोग भी ट्राई करो, ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा ही सही, है ना, मतलब ऐसा करो कि आप मेरे से पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते करते सम लाइक सॉल्व करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, आप सिर्फ अपना सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, ओके, तो आप सब लोग अपना अपना ट्राई करो, ठीक है, और जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, ओके सर, जो क्वेश्चन आपने अभी करवाया उसे एक बार दिखाओगे, मेरी स्क्रीन क्लोज हो गई थी, कोई बात नहीं बेटा आप देख लो, देखो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ओके, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, यस सर, तो देखो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था रूट थ्री माइनस रूट टू का होल क्यूब प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव का होल क्यूब प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल क्यूब, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई सर यू आर नॉट ऑडिबल, सर आइडेंटिटी पढ़ी थी सर, आपकी नर्सर है, एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू, सर बीच बीच में नट जा रहा है आपका, यस हेलो नो सर, नो सर, खराब आ रहा है, अभी आ रही है ना आवाज, क्लियर नहीं आ रही, या ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड, आई एम अगेन रिप्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, ओके, सो या सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट, एंड अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो हमने इसमें दोनों कंडीशन चेक करी, ठीक है, कि भाई ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो है नहीं, राइट, क्योंकि रूट थ्री माइनस रूट टू इक्वल टू नहीं हो सकता रूट टू माइनस रूट फाइव, क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव नंबर है कुछ, क्योंकि रूट थ्री कितना होता है 1.73, राइट, एंड रूट टू कितना होता है 1.414। इन सबकी वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी आगे जाके, ठीक है, तो अभी से याद कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है बेटा। तो रूट थ्री अगर 1.7 रूट थ्री अगर 1.73 है तो, और रूट टू अगर 1.414 है तो रूट थ्री बड़ा नंबर है एंड रूट टू छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पर रूट टू छोटा हो गया और रूट फाइव बड़ा हो गया, राइट, क्योंकि रूट फाइव का वैल्यू होता है 2.14 समथिंग, ठीक है, तो रूट टू माइनस रूट फाइव हो जाएगा नेगेटिव नंबर, तो ये तो आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते, है ना। तो उसके अलावा फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन बचती है कि अच्छा ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। तो ए क्या है यहाँ पर रूट थ्री माइनस रूट टू, एंड बी क्या है रूट टू माइनस रूट फाइव, एंड सी क्या है रूट फाइव माइनस रूट थ्री। तो अगर हम इन तीनों को एड करते हैं ना तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रूट थ्री से माइनस रूट थ्री कट जाएगा, पॉजिटिव रूट टू से माइनस रूट टू कट जाएगा, एंड प्लस रूट फाइव से माइनस रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा आप सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, या प्लीज आप एक बार सब इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। यस बेटा बताओ क्या हुआ सर। जो अभी आपने क्वेश्चन कराया है सर वो भी स्क्रीन दिखाना, मैंने स्क्रीनशॉट लेने हैं। ओके बेटा यस सर। हाँ बेटा नेटवर्क को बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज रिपीट करिएगा। थोड़ा कनेक्ट
ओके ओके सर, सॉल्व करवाना सर हमने किया तो है, देखते हैं सही है कि नहीं। अच्छा बेटा, जिस जिसने सॉल्व करा है वो अपना ओके, कामिनी बेटा ने किया है, जस्ट अ सेकंड। ओके आई थिंक कामिनी बेटा मुझे अपना शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा। इट्स ओके, या ओके। तो आप सब लोग है ना अपना चेक करिएगा अभी, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी इधर देखिए कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या है, 4x² + 9y² + z², ये कुछ तो स्क्वायर टर्म दिख रही है मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पर x इंटू वाई दिख रहा है, मतलब कुछ कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे टू, यहाँ पर एक्स जेड है। तो इससे रिलेटेड भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, राइट। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, पढ़ा है भाई ए स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया, ये वाला हमने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, राइट। क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, फिर तो वहां पर नेगेटिव कहीं पर भी आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो हमें ये वाला कुछ सोचना था, ठीक है। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं भाई, हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा हो जाएगा, ओके। तो अब मुझे कहीं कहीं से a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए एंड c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 4x का स्क्वायर है तो इसको मैं 2x और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, है ना। एंड देन 9y स्क्वायर है तो इसको मैं 3 × y इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई 3 का स्क्वायर 9 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। एंड देन c स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर ओनली। देन माइनस मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, माइनस ए बी। अच्छा तो यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए तो 2x है, तो अच्छा 2x लिख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा बी क्या है हमारा, यहाँ पर 3y है, तो 3y लिख के देखते हैं। अरे ये तो 2x × 3y हो गया, ये तो -6xy आ गया, राइट। ये तो हमारा क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि -6xy भी उसमें है क्वेश्चन में, राइट। देन माइनस अब बी सी लिखना है मुझे, तो बी कितना है मेरा, 3y, राइट। एंड मेरा सी क्या है, सी है मेरा जेड, तो ये क्या आ गया, -3yz, जो भी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात हो गई भाई। फिर उसके बाद माइनस है एंड सी क्या है, सी अगेन जेड है, ठीक है। ए क्या है मेरा यहाँ पर 2x, तो ये वापस आ गया -2 × xz जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई ये तो मेरा पूरा का पूरा आइडेंटिटी बन गया, बस मैंने ए बी सी को रिप्लेस कर देना है 2x, 3y, and z से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, बस मुझे अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू इस जगह पुट करनी है ना, ए बी सी की वैल्यूज मुझे इस आइडेंटिटी में पुट करना है, तो बस पुट कर देते हैं। तो हाफ ऑफ ए माइनस बी, अच्छा एक सेकंड, इस पुट करने से पहले ये देखते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन था ये क्या हुआ, क्या है कि भाई 4x² + 9y, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट, हेलो, यस सर, ओके। तो अच्छा देखो अब सिंपली मुझे क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट कर देनी है। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, तो ए का वैल्यू हो गया 2x, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो गया, 3y, तो ये हो गया, माइनस आएगा बीच में, एंड देन बी का वैल्यू हो गया 3y, राइट। देन प्लस अगेन, और ये आएगा यहाँ पर बी, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, 3y, तो 3y आ गया, ओके। एंड देन माइनस, ओके। एंड देन c क्या है, z, तो 3y - z ही आ जाएगा, एंड इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर। देन प्लस
देन अगेन सी, सी था हमारा जेड और ए क्या था 2x, तो जेड माइनस 2x और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखो ये वाला जीरो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, एंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड वाले पार्ट के इक्वल है, ठीक है, मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। अगर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्वल टू जीरो है तो ये भी इक्वल टू जीरो होगा, राइट। यहाँ तक सभी को समझ में आया ना भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस। ओके ओके ओके, तो अब अगर मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पर ये तीनों स्क्वायर टर्म्स है और स्क्वायर टर्म का एडिशन जीरो कब हो सकता है, जब सारी वो पर्टिकुलर जो स्क्वायर टर्म्स है वो इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना, क्योंकि भाई अगर कोई भी अगर नॉन जीरो रह गया ना तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आना चाहे इसका, जैसे कि 2x माइनस 3y, अगर लेट सपोज इसका आंसर माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, प्लस 1 स्क्वायर 1, है ना, तो 1 हो गया। अब इस 1 को 0 बनाने के लिए मुझे कहीं से माइनस 1 चाहिए, लेकिन इन स्क्वायर टर्म्स की वैल्यू तो कभी माइनस हो ही नहीं सकती, है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये सारे ये तीनों जो टर्म्स है वो जीरो बन जाए पर्टिकुलरली, ठीक है। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। ओके बेटा देखो, मेरे पास ये इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या है कि तीन स्क्वायर टर्म्स का एडिशन है, राइट, ये वाला स्क्वायर टर्म है क्योंकि इसका पावर 2 है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म मतलब उनका पावर कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, मतलब उसको हम पावर 2 पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ओके। तो अब ये पर्टिकुलरली जीरो कब होगा, जब ये तीनों टर्म्स जो है वो इंडिविजुअली जीरो हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो रह गया तो वो पॉजिटिव आंसर देगा एंड उसको जीरो बनाने के लिए अनदर टर्म को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, जो कि ये हो नहीं सकता, राइट, है ना, तो इस वजह से मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि 2x is equal to 3y हो जाए, 3y is equal to z हो जाए, ओके, तो 3y is equal to z हो जाए, z equal to 2x हो जाए, ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2x equal to 3y is equal to z, ये मेरा आ गया आंसर। अभी को समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं इसके नोट्स जो है अभी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हो तो चलेगा, कोई मतलब वैसे इतना इश्यू नहीं है, बट आप ट्राई करना कि अगर मैं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूं और वो बाय चांस में लिखा हूं ना तो वो आप अपने नोटबुक में जरूर लिखो, ठीक है, कभी आपको जब भी क्लास में आना एक नोटबुक और पेन जरूर लेके आना, ऐसा नहीं कि हम मूवी देखने आ गए, सामने मूवी चल रही है, हम बस एक बार मूवी देख के चले जाएंगे, सुन जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको अपना पेन कॉपी लेके आना है एंड यू हैव टू मेक ओके। यस सर, यस सर। हेलो, और आगे ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। अच्छा, सभी बच्चों को इंडाइसेस पता है क्या होते हैं? सर सर आपकी आवाज कट रही है, सर आपका नेटवर्क कट रहा है, हेलो हेलो, यस सर, सर थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं पावर थोड़ी कम आ रही है, आप क्या हो, मैं पावर को सेपरेट कर, एम इनटू बी एम, क्या ए टू द पावर एम इनटू बी टू द पावर एम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, पावर सेम है, आप देख सेकंड पर लग गए तब लिख हम सेकंड पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा सेकंड पे आप लिखता हूं कि Let's suppose कि ये to the power n है, तो इसकी power n है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? A M N. A to the power n. बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। थर्ड वन ऐसे प्रेडिक्ट करता हूं कि अच्छा लेट्स सपोज a टू द पावर m है एंड a टू द पावर n है am प्लस n a टू द पावर m am प्लस n बहुत बढ़िया am प्लस होगा am माइनस n बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फोर्थ वन अच्छा इसके अलावा मैं लिख सकता हूं भाई a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n am minus n minus n। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई a टू द पावर n तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन a टू द पावर n राइट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं a टू द पावर m a टू द पावर minus n राइट। इसका मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन a टू द पावर n को मैं लिख सकता हूं a टू द पावर minus n राइट। Yes, और इसी तरह से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n या a टू द पावर माइनस n इट इज इक्वल टू a टू द n। यस सर यस सर तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n राइट। जो आपने फोर्थ इक्वेशन लिखी थी वो क्या वन के इक्वल हो सकती है? सर ए पावर जीरो आ जाएगा ना एम एन एम माइनस एम, सर ए पावर जीरो और फिर वन नहीं आ सकते हो सकता है ना बेटा, बट उसके लिए एम इक्वल टू एन होना पड़ेगा। इसके लिए m equal to n then a to the power m divided by a to the power m it is equal to n. basically a to the power 0 equal to ठीक है बेटा? yes sir yes sir yes sir yes sir okay तो अच्छा लेट हमने थोड़ा देखते हैं इसके अलावा और हमारे पास क्या हो सकता है भाई, इसे बहुत हैं। a to the power 1 upon m को मैं क्या लिख सकता हूँ? root of a और यहाँ पर m, ये सभी को पता है ना भाई? ये ऐसे लिख सकते हैं फिर? yes sir yes sir अच्छा इसको ऊपर के कुछ examples कर लेते हैं। connection में यार 8 की power 1 by 3 या जो by audible सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से आपका नेटवर्क इशू है। यस सर इशू है, प्रॉब्लम इधर भी आ रहा है। ओके बस 2 सेकंड की बात है। ओके अभी ठीक है बेटा? हेलो यस सर यू आर ऑडिबल। यस सर यस सर हेलो सर हेलो हेलो सर या आवाज आ रही है? यस सर यस सर यस सर यस सर सर Yes. Okay. So, a to the power 1 by 3 है, ठीक है? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? 2 to the power 3 into or 1 by 3, right? Yes, sir. भाई ये basics अभी clear है ना? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको इसमें doubt है? No, sir. No, sir. Sir, answer आ जाएगा। क्योंकि भाई मेरे कुछ पुराने बच्चे थे। No, sir. बहुत बढ़िया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इनटू 1 बाय 3 दैट इज 2 पावर 1 दैट इज 2 ओके। तो 3 से 3 कट जाएगा और से 2 पावर 1 आ जाएगा। या या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब भाई भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इनमें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आता है? हां सर अब ठीक है। ये मतलब हमने ये मैं पहले बताना नहीं चाह रहा था बट कुछ सीरियस क्लासेस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी तो मैं चाह रहा था कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे ये बेसिक बेसिक चीजों में, ठीक है बेटा? फोर्थ वाला फिर से समझा दो। यस सर फोर्थ वाला फिर से समझाना है। यस सर ओके ओके। तो देखो ये फोर्थ वाला था क्या a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, ठीक है? तो
अगर मेरे इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना भाई, ए टू द पावर एम इंटू वन अपॉन ए टू द पावर एन, ये सभी को समझ में आ गया ना कैसे लिखा है मैंने? आगे सम ओके तो भाई ये यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है वन अपॉन ए टू द पावर एन, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी लाइक नंबर है और एंड उसकी कुछ पावर है, ओके तो अगर हम उसको न्यूमरेटर में लेना ले जाना चाहें तो उसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलू विद एग्जांपल, अगर मैं आपको करवाऊं भाई, लेट सपोज कि 1 अपॉन 4 है मेरे, ठीक है? 1 अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन 2 स्क्वायर, राइट? तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर को मैं और भी क्या लिख दूंगा? 2 पावर -2, 2 की पावर माइनस 2, ओके? मतलब नेगेटिव पावर का ये मतलब है कि आपको उसका लाइक पोजीशन चेंज करना है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, अगर उसको वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भेज दो, तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। एंड उसके बाद हमने बोला था कि इफ m इक्वल टू n अगर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह हमने m लिख दिया, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर m, ठीक है? तो ये आपस में फिर वापस से ये ए टू दी पावर एम डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ए टू दी पावर माइनस एम, और मल्टीप्लाई में पावर एड हो जाती है, राइट? तो एम देन प्लस देन माइनस एम, तो ये आपस में कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई ए टू दी पावर जीरो इज आएगा एंड इट इज इक्वल टू 1। ओके अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। हमने यहाँ पर लिखा 1 की पावर 0 इट इज इक्वल सॉरी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट? तो मतलब मैं एक अच्छा यहां पर a कुछ भी ले सकता हूं क्या? मैं a की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं क्या? मैं यस सर। यस सर। अच्छा मतलब जैसे कि 2 की पावर 0 भी 1 हो गया, 3 की पावर 0 भी 1 हो गया, माइनस 2 की पावर 0 भी 1 हो गया, है ना? Yes, अच्छा माइनस 2 की पावर 0 ये कितना होगा? सो 2 माइनस 2 माइनस 2 होगा माइनस 1 होगा। अच्छा माइनस 1 होगा, ये सही है कि नहीं है ये बताओ मुझे। सही है। जो पावर 0 है ना, तो जब भी पावर 0 होगी सर तब आंसर 1 ही आएगा। अच्छा मैं एक पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब उसमें पार्टिसिपेट करो, ओके? जस्ट अ सेकंड। अच्छा मुझे सब ये लोग बताओ कि 0 की पावर 0 का आंसर क्या होगा? इन नॉट डिफाइंड फिर 1 नॉट डिफाइंड। अच्छा एक और ऑप्शन आया हमारे पास नॉट डिफाइंड सर। 1 सर नॉट जीरो सर। सब लोग अपने पोल्स पर आंसर देंगे, ओके? सब लोग पोल आपको दिख रहा है ना अपनी स्क्रीन पर? आप यस सर। कौन से क्या चले करिए बराबर करिए। हमारे पास ये 107 बचे हैं यार, अभी तक सिर्फ 10 वोट आए हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी भाई भाई किसी को चैट बॉक्स में लिखना है आंसर करना। क्यों नहीं हो रहा है? एक्टिविटी में जाओ भाई, एक्टिविटी में। देखूंगा मैं भी, पूरी मेरी बंद भी होगी तो कर दिया वो। आर्यन बेटा आप अपनी एक्टिविटी जाओ, ये आपको सिंबल दिखा होगा ना ये वाला ट्रायंगल शेप में, उसमें जाओ आप, वहां पर एक पोल दिखा होगा आपको, दिखा आर्यन कर दी
हाँ बेटा भाई जल्दी से, मेरे पास पूरे 107 वोट होने चाहिए वहां पर, 107 नहीं एक्चुअली 106, क्योंकि मैं भी हूँ उसमें भाई। वन को जिता रहे हो तुम सब लोग यार, 54 वोट्स, 09 वोट्स एंड नॉट डिफाइंड 17 वोट्स, अभी 82 हुआ है बाकी भाई, और फटाफट से अपना आंसर दो उस पे। सभी लोग जिसको भी पोल नहीं दिख रहा है, ट्राइंगल शेप में यहाँ पर आपके राइट कॉर्नर में लिखा होगा, प्लीज वहां पर देखो एक्टिविटीज में होगा। हाँ बेटा एक्टिविटीज में होगा। हाँ बेटा कहाँ पे है बेटा ये एक्टिविटीज में दिख रहा होगा आपको, ये साइड में जाना है ना, राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर है, बॉटम राइट कॉर्नर पर देखो अपने, यस सर, साइड में जो थ्री डॉट, बॉटम राइट कॉर्नर ये थ्री डॉट में जाना है, उसे एक्टिविटीज में जाना, थ्री डॉट्स एक्टिविटी में ओके, वो एक्टिविटी। अरे यार मैंने, हाँ ओके ओके, 90 वोट्स हो चुके हैं भाई, जल्दी जल्दी करो। एक सेकंड आप सब लोग अभी अपना दीजिए, जस्ट अ सेकंड, सभी लोगों ने अपना आंसर कर दिया। हेलो यस सर, यस सर, यस सर, कर दो बैंड पोल, यस सर, यस सर, ओके। स्क्रीन नहीं हो रही है सर, आपकी हाँ बेटा एक सेकंड, यस सर सर स्क्रीन नहीं हो रही है, ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड, ओके अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, सर आप दिखाई दे रही है, यस सर, यस सर, यस सर, सर अभी दिख रही है, ओके या ओके, सो हमारे पास टोटल 95 वोट्स हैं, फिर भी हमारे पास कुछ बच्चे रह गए, ओके तो इसका आंसर है भाई नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ क्यों, है ना, यस सर, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता जिसको हर बार सबसे ज्यादा वोट मिले वही सही, यस सर, एक बात नई सीखने को मिली आज, ओके तो देखो मुझे बताओ कि वन की पावर 0 होगा 1, राइट, एंड 2 की पावर 0 भी होगा 1, है ना, ठीक है, यस सर, यस सर। अच्छा आप मुझे बताओ 0 की पावर 100 कितना होता है, 0 भाई, 0 की पावर, 0 की पावर आप कुछ भी लगा वो 0 ही होगा भाई, 0 में कितनी बार आप 0 मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या होता है 0 की पावर 100 का, 0 हमने 0 को 100 ओवर 100 बार मल्टीप्लाई किया, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 0 को 100 बार मल्टीप्लाई कर दिया, है ना भाई, आप 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो वो कैसे 1 हो सकता है, ऐसे तो भाई तुम अजूबा कर दोगे यार, 0 को 1 बना दोगे तुम, ओके तो देखो 0 की पावर 100 हो गया, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 0 की पावर 0 लेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो 0 होना चाहिए, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, है ना,
भाई ये जीरो की पावर वाले के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर होना चाहिए जीरो, लेकिन एनीथिंग टू द पावर जीरो के हिसाब से होना चाहिए वन। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और मैथ में ऐसा चलता नहीं है कि इस मेथड से करे तो कुछ आंसर आ गया, इस मेथड से करे तो कुछ और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है। आप मेथड कोई सी भी लगाओ आंसर आपको हमेशा सेम मिलना चाहिए, तभी वो मैथ्स में करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप जाके अपने लिमिट चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको सेवन फॉर्म्स ऐसी मिलेगी जो कि नॉट डिफाइंड होती है। तो ये जीरो टू द पावर जीरो इज वन ऑफ देम। ओके, ओके 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 ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना भाई? तो आज अपन थोड़ा सा पॉलिनोमियल का रिवीजन कर लेते हैं, एंड देन अपन क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट विदाउट इक्वल टू साइन, जैसे कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई, टू एक्स जेड, एनीथिंग। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर किन्हीं भी लाइक आपको ये पता है ना कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, ये फिक्स्ड है कि इनकी वैल्यू आप कोई से ले जाओ, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो हेलो, अभी ठीक है बेटा? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। प्रश्न क्या होता है कि किसी हम वेरिएबल के साथ या फिर किसी वेरिएबल के साथ या फिर किसी कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट के साथ किस मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं या फिर किसी भी ऑपरेटर के साथ ऐड करके लिख देते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्सप्रेशन। ठीक है, yes, ये सब कुछ क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल को ऑपरेटर्स की हेल्प के साथ लिख देते हो, ऑपरेटर्स मतलब हमारे पास 5 ऑपरेटर है, कौन कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फर्स्ट वन इज प्लस, सेकंड वन इज माइनस, थर्ड वन इज मल्टीप्लाई, फोर्थ वन इज डिवीजन, डिवीजन एंड फिफ्थ, कोई बता सकता है क्या फिफ्थ वाला क्या है? परसेंट, परसेंटेज नहीं, ब्रैकेट, सो इक्वल टू एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स पावर्स, बिल्कुल पावर्स, यस सर, पावर्स भी एक्सपोनेंट्स होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा भाई, तो 3 की पावर में 1 लिखा है ना, यस सर, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि भाई 3 स्क्वायर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 into 3, तो ये वापस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट को भी हम इसी में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन समझ में आया क्या होता है? यस सर। और हाँ, एक और मेन बात कि भाई यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, इरेशनल, रेशनल, कुछ भी। ठीक है, बस रियल होना चाहिए। ठीक है, यस सर, यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए, वो चाहे इरेशनल हो, रेशनल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर पाई लिख दो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया एक एक्सप्रेशन, लेकिन एक पॉलिनोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल आप सबसेट पता है ना आप लोगों को, सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है एक बड़े से हिस्से का छोटा सा हिस्सा, तो पॉलिनोमियल जो है बड़े से मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ अरेंज्ड वे में लिखा होता है कि भाई पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो आपको जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही है कि ये पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर। होल नंबर सभी को पता है ना क्या होता है? जीरो, 1, 2 and so on. ओके, तो इनमें पावर्स जो है ये ही होनी चाहिए, इसमें इरेशनल नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा।
ठीक है, और रेशनल भी नहीं चलेगा, मतलब जीरो की मतलब पावर हाफ हो गया, पावर वन बाई थ्री हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये समझ में आ गया ना, तो इसके बाद हम बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, आई थिंक। ओके yes, तो भाई yes, या आप सब लोगों को समझ में आया ना भाई आज का लेक्चर? यस सर। आज वैसे हमने कुछ खास किया नहीं है, पर आप कल सब लोग पॉलिनोमियल एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ के आना, उसके साथ हम एक और चीज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। भाई लॉन्ग डिवीजन को आपको करने में एटलीस्ट 5 मिनट लगेगा, सिंथेटिक डिवीजन वही आंसर आपको 10 सेकंड में निकाल कर देगा, ठीक है? तो हम वो पढ़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी ने भी पढ़ा है अभी तक, ठीक है? तो आप अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड और पॉलिनोमियल पढ़ के आना, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ बिल्कुल बेटा, 11 बजे के बाद, 11 से 11:30 के बीच में आप